सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह बोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो भी जरूर कर लेना। यहाँ पे बात करते हैं माइकल विलियम्सन की अपडेट के बारे में। अभी एक ड्रीम टीम वेबिनार हुआ था और उसमें माइकल विलियम्सन आए थे और बहुत ही अच्छा खासा वहां पे डिस्कशन चला था, और एक अच्छी खासी डिस्कशन के अंदर वहां पे माइकल विलियम्सन ने हम सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वहां पे दी। क्योंकि ऑन पैसिव के बारे में जितना हम समझ रहे हैं, जितना हम जान लेंगे इसको बहुत कुछ होने से पहले, तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान भी रहेगा। तो शुरू करते हैं उस ड्रीम टीम वेबिनार के अंदर जो है माइकल विलियम्सन ने हम लोगों से, यानी कि उस वेबिनार के माध्यम से हम सब लोगों से जो है किस टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर किए। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि डेवन से हम सब लोग जहां भी जिस किसी भी बिजनेस में थे, हम वो अपने काम में बिजी थे, वो हम काम कर रहे थे आसानी से, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, चाहे आप जो है कोई अपना कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, हम सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मैं भी अपने काम में बिजी था। बाद में एस सर ने ऑन पैसिव के बारे में बताया, क्योंकि उनके माइंड में जब एस सर के माइंड में एक प्रोजेक्ट आया तो भाई वो किसी ना किसी को तो बताएंगे जरूर। जब आप कोई भी एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बताएंगे जरूर। तो यहां पे ऑन पैसिव के बारे में जब एस सर ने बताया तो वहां पे मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन पहले हम सिर्फ खुद के बारे में ज्यादा सोचते थे। ये तो बात सही है, ये माइकल विलियम्सन ने बिल्कुल 100% बात सही कही है। आज भी जितने भी लोग हैं वो सब खुद के बारे में सबसे ज्यादा बातें सोचते हैं, और हमारी भी सोच जो ऐसी ही थी, हमारी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी जैसे कि आज है ये। बाद में ऑन पैसिव के आने के बाद में जो है सोचने का यहां पे तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। आज हम जिस तरीके से बात करते हैं, दूसरों की हेल्प करने की बात करते हैं, दूसरों की हम यहां पे जो है ह्यूमिनिटी की बात करते हैं, इसके अलावा हम दूसरों को सक्सेस करने की बात करते हैं, एंड इसके अलावा हम और भी जो है पॉजिटिव बात करते हैं, दूसरों को साथ लेकर के बात चलने की बात करते हैं, यहां पे ये पहले हमारी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद में ये सोच सबसे पहले बदली है। पहले ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता था कि इसमें ऑन पैसिव में क्या है, किस तरीके से है, लेकिन बाद में सब कुछ पता नहीं कि किस तरीके से जो है हमें पता चलने लगा कि हाँ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, हमारे फाइनल अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती शुरू चली गई, और यहां पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कितना एक बहुत ही बड़ा एक कारवा बन चुका है। यहां पर शुरू में 6 महीने के अंदर माइकल विलियम्सन ने बताया कि 6 महीने के अंदर अगर यहां पर ज्यादा नहीं, लगभग 10,000 लोग भी अगर यहां पर आ जाते हैं तो हम इनमें से अच्छे खासे जो लोग होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, अच्छी सोच वाले लोग होंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग होंगे, हम उन्हीं के साथ चल पड़ेंगे। लोग टॉप पर जाने के बारे में पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करें कि क्या आप जो है अपने लाइफ में एक बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से सक्सेसफुल होना चाहते हो, टॉप पर जाना चाहते हो, तो यहां पर लोग अक्सर मना कर देते हैं। लोग टॉप पर जाने के बारे में जो है कभी सोच ही नहीं पाते हैं, परंतु हम कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर जरूर यहां पर आगे बढ़ते गए। ये तो एक बहुत ही एक सामान्य सी बात है कि यहां पर जब भी एक टीम की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बीच में छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे लोगों के साथ हम मिलके चलते गए और आज हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज हमारे इस बैक ऑफिस के अंदर 1.4 मिलियन लोग हैं। हम अकेले नहीं बल्कि एक टीम बनाकर जीतना चाहते हैं। बिकॉज यहां पे आप लोगों को एक अच्छे से बात पता है कि जब कोई भी चीज, जब एक टीम मिलाकर के, एक टीम बनकर के हम किसी भी चीज को हासिल करते हैं, किसी भी चीज को जीतते हैं, तो वहां पे उस खेल का मजा ही कुछ और होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच हुआ, सो यहां पे एक व्यक्ति नहीं बल्कि अगर यहां पे जब मैच कोई भी जीतता है या कोई भी खेल होता है जो उसमें जीत हासिल होती है, तो उसमें पूरी टीम जश्न मनाती है, जितने भी लोग होते हैं, फिर चाहे कोई भी खेला हो या ना खेला हो, चाहे वो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है 3 लोगों ने ही मैच जिता दिया हो या फिर सारे के सारे जो है 10-11 खिलाड़ी ही उसको मिलकर के खेले हो, तो यहां पे पूरी टीम का एक सहयोग होता है। तो टीम मिला करके जो यहां पर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एक जीत होती है, जो बहुत बड़ी जीत होती है, वो हम टीम बना करके ही हम यहां पर कर सकते हैं। बिजनेस में भी बिल्कुल यही सटीक रूल जो है शामिल होता है।
बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर भी यही रूल जो है अप्लाई करते हैं, बिना एक बहुत बड़े टीम के, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कभी भी इस वर्ल्ड के अंदर जो है एक एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो यहां पे बिजनेस में हम तभी जी सकते हैं जब हम एक दूसरे को सक्सेस करें। माइकल विलियम सर ने जब इस बात को कहा तो आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग जो है अपने सक्सेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम एक दूसरे की सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो हम जल्दी से जल्दी यहां पर सफल हो जाएंगे। ऑन पैसिव का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो समझ में नहीं आने लगा था, समझ में आने लगा था कि हम यहां पर इंटरनेट को जो है एक रिक्रिएट कर सकते हैं, यहां पे इंटरनेट को हम रिक्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को हम दोबारा से बना सकते हैं और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें लोगों के बहुत सारे सॉल्यूशन शामिल होंगे, बहुत सारे लोगों की वैल्यू को हम ऐड कर पाएंगे, वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट होंगे हम लोगों को दे पाएंगे। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन सारे प्रोडक्ट पर $3,000 से ज्यादा जो है, जी हां $3,000 से ज्यादा हर महीने यहां पर खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम फ्री में लोगों को दे सकते हैं, फ्री में सर्विस दे सकते हैं। एंड इसके अलावा माइकल विलियम्स ने एक बात और भी बताई थी कि हमारा जो ओ कनेक्ट, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, वो आज इस टाइप से हम इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इस टाइप से आज इसको क्रिएट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये हजारों डॉलर जो है लोगों के बचाएगा, जो कि आज आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन लगा सकते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो दूसरे अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं, वहां पे लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो यहां पे ऑन पैसिव का जो ओ कनेक्ट है वो इस तरीके से हजारों डॉलर बचाएगा और बहुत ही अच्छी वैल्यू जो है यहां पे ऐड करके भी देगा। मैंने ऑन पैसिव को एक ऑटोमेटिक मिलेनियर के नजरिए से देखा है, जी हाँ मैंने ऑन पैसिव को एक ऑटोमेटिक मिलेनियर की नजर से देखा है और यहां पे मैं अपनी सक्सेस को भी देख पा रहा हूं और यहां पर अपने ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे आने वाले कस्टमर्स हैं, उन सभी की यहां पे सक्सेस है। लोग इसमें आकर अपने बिजनेस को एक ऑटो मोड पर डाल सकते हैं, जी हाँ एक ऐसा सिस्टम यहां पे बनाया जा रहा है। और हमेशा से एस मुफारी सर एक बात कहते हैं, दिस इज अ डन डील एंड डू इट और डाई, यह एक डन डील है और यहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो आपको सब पता है कि बिल्कुल 100% होगा ही होगा। हमारे आज 5 जगह ऑफिसेस हैं, धीरे धीरे कंपनी पूरी दुनिया के अंदर जो है फैलती चली जा रही है और जिस तरीके से ये कंपनी फैल रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन, जिस तरीके से ऑफिसेज जो है क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके से एक कंपनी की जो एक ब्रांड वैल्यू है वो यहां पर बनती चली जा रही है। अगर हम ब्रांड के बारे में बात करें तो आज हम हर एक चीज को जो है एक अगर खरीदना चाहते हैं तो हम उसका एक ड्रीम लेके बैठते हैं कि काश मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी हो, काश मेरे पास एक अच्छी कंपनी का जो है कोई सूट हो, या फिर अच्छी कंपनी का कोई एक मेरे पास जूता हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सोचते हैं जो कि आज अपने आप को एक ब्रांड बना चुके हैं। मेरे पास एक अच्छी कंपनी का एक मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो। तो जिस तरीके से हम इस ब्रांड के बारे में सोचते हैं, आने वाले वक्त में हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी इसी तरीके से लोग यूज करेंगे। आने वाले वक्त में अपने प्रोडक्ट भी जो है हर कोई यहां पर यूज कर पाएगा। एंड ब्रांड कोई भी रात में, एक रात में कभी भी नहीं बनता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, चाहे वो हमारी एक अमेजन हो, चाहे वो हमारा नाइकी हो, चाहे मर्सिडीज हो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कुछ भी हो, कोई भी ब्रांड एक रात में नहीं बनता है। उसके पीछे हजारों रातों की जो है एक मेहनत होती है और यहां पर आपको पता है कि हम एक ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट करने जा रहे हैं। माइकल विलियम्स ने बताया कि यहां पर जो हमारी एक ब्रांड बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, यहां पे वुर्ज खलीफा के ऊपर जो लाइट शो होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, एंड हमारे मॉल्स के अंदर बहुत सारे जितने भी चीजें यहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, वो एक हमारे एक नेक्स्ट लेवल की एक ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल का जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये हमारी एक नेक्स्ट लेवल की ब्रांड वैल्यू को बना रहे हैं। सभी लोग यहां पर सब प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, एक बात और भी है, क्योंकि हर किसी की पसंद अपनी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी बकेट होगी, एक हमारे पास ऐसा मॉल होगा जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी पसंद का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज कर रहा होगा। हो सकता है कि मैं कुछ और यूज कर रहा हूं, आप कुछ और यूज कर रहे हो, सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति कुछ और यूज कर रहा है, चौथा व्यक्ति कुछ और यूज कर रहा है। तो यहां पर एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि यहां पर ऑन पैसिव के अंदर आने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हर एक व्यक्ति यहां पर यूज करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चूज जरूर करेगा। यदि हम जरूरत के अनुसार लोगों को अगर अच्छी तरीके से रिकमेंड करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो यहां पे ऑन पैसिव का एक एक प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति के पास जरूर पहुंचेगा। सभी लोग
सब प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना ही खरीदेंगे, मगर हर किसी की पसंद का कोई ना कोई प्रोडक्ट यहाँ पे जरूर होगा। 2018 से आज अगर हम खुद को देखें पीछे मुड़ के तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। माइकल विलियमसन ने कहा कि आगे 10 सालों में, यानी कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे कहाँ पे होंगे, एंड करोड़ों लोगों की जो लाइफ है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा हमारे माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, ओब्लेस के माध्यम से। और आप अपनी जर्नी को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को यहाँ पे एंजॉय करिए, जो भी चीज आ रही हो उसको लगातार आप सीखते भी रहिए, क्योंकि लाइफ में लाइफ से कोई भी रिग्रेट ना रहे, इस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो यहाँ पे कोई भी अफसोस नहीं रहेगा आपके लिए किसी भी टाइप का, और इसलिए जो भी यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं, जो भी काम चल रहा है वो हमारे ड्रीम्स के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए ही काम चल रहा है। सो लास्ट में एक बात मैं भी कहता हूं अपनी तरफ से, सो गेट रेडी टू प्ले द लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको माइकल विलियमसन की जो अपडेट मैंने दी, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको जो है काफी ज्यादा अच्छी भी लगी होगी और काफी आपको यहां से इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सुनिट टू विन इट। थैंक यू सो मच।